नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पीनट लड्डू जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें जरूरत पड़ने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और देसी घी को हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो इन लड्डुओं को आप सर्दियों में बनाकर स्टोर कर सकते हैं और रोज एक लड्डू खा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है, आप कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डुओं को बनाने के लिए। मीडियम आंच में हम सूजी को भून लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे हल्का सा, और इसी तरह मीडियम आंच में हम इसे भूनते रहेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें सूजी को भूनने के लिए और हम सूजी को इसी तरह से भूनते रहेंगे और इसका देखें हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और इसी तरह से भूनी हुई सूजी हमें चाहिए है। तो देखें हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 जार ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप मूँगफली ली है, ये भुनी हुई छिली हुई मूंगफली है। अगर आप घर पर मूंगफली भूनना चाहें तो उसे भी भूनकर लड्डुओं में डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मिक्सी के जार में मूंगफली को डाल देंगे और इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली सर्दियों में बहुत ही फायदे करती है, ये हार्ट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस सर्दियों में आप पीनट के लड्डू जरूर ट्राई करें। अब मैंने इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लिया है, इसी तरह से हमें इन्हें पीसना है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी इसे डाल सकते हैं या फिर इस तरह से हल्की दरदरी, और दरदरी हमने मूंगफली को पीस के अच्छे से मिला देना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे 1 प्लेट में और देखें सूजी और मूंगफली अच्छे से मिल गई है। इसे हम निकाल के रख देंगे एक साइड। आप इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर बिना ड्राई फ्रूट के ही हमने लड्डुओं को बनाया है जो टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। तो इस प्लेट को हम साइड रख देंगे और अब हम यहाँ पे 1/2 कप गुड़ ले लेंगे। तो जितना मीठा पसंद आपको है उस हिसाब से आप गुड़ कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और 1/2 कप से भी कम हम इसमें पानी डालेंगे। गुड़ को मेल्ट होने देंगे, धीमी आंच में हम इस तरह से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेगा गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करना है। अगर हम गुड़ को बहुत ज्यादा पका लेंगे तो लड्डू हमारे जो हैं कड़े बनेंगे, और इस तरह से हम गुड़ को सिर्फ 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे। अगर आपको कड़े लड्डू पसंद है तो आप चाशनी को थोड़ा ज्यादा पका लें, और सॉफ्ट पसंद है तो जैसे मैं बना रही हूँ ठीक इसी तरह से पका लीजिए और लड्डुओं को बना लीजिए। 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे तो इस तरह से मेल्ट हो गया है गुड़, इसमें बबल्स पड़ने लगे हैं। तो जो सूजी और मूंगफली हमने पीस के रखा था इसे मिला देंगे और बस 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से चला लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है लड्डुओं को बनाने में और बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो इन लड्डुओं को आप बनाकर स्टोर कर लीजिए और खाते रहिए और सर्दियों का मजा लेते रहिए। और देखें ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इससे लड्डू बना लेंगे। हल्का सा तेल या घी हाथों पर लगा लेंगे और बिना ड्राई फ्रूट के देखें बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें हल्का सा हमने चिकना कर दिया है, आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट भी इस पे लगाकर इसे सजा सकते हैं, पर मैंने इन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप मूंगफली और गुड़ के फायदे तो जानते ही होंगे। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक करिएगा और मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ।